हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच प्रीव्यूज और फैंटेसी 11 में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित फर्स्ट ओडीआई वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, अभी वेस्ट इंडीज श्रीलंका का टूर कर रहे हैं। ये 15 जून को स्टार्ट होगा एंड 28 जून को कंक्लूड होगा। ये पूरा टूर 3 ओडीआई मैचेस और 3 टी20 मैचेस की सीरीज कंसिस्ट करेगा। तो अभी ओडीआई मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं 15 को एंड 21 को कंक्लूड होंगे। ODIs एंड T20Is दोनों ही मैचेस सुबह 10 बजे आपको स्ट्रीम में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। एंड जो ODI मैचेस है वो गॉल स्टेडियम में खेले जाएंगे एंड T20Is हम्बनटोटा में खेले जाएंगे। तो अंकित, जैसा कि आप अभी जानते हैं कि वेस्ट इंडीज अभी अभी पाकिस्तान से इतना अच्छा प्रदर्शन करके जीत के आए हैं एंड श्रीलंका का भी हिस्टोरिक विन रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो आप इस सीरीज से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? फर्स्टली हाई प्रशस्ति, एंड आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड सीरीज बिकॉज एज यू मैंशनड कि अगर हम पाकिस्तान का जो सीरीज था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट था, पाकिस्तान के ही होम ग्राउंड में, वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ ने उनको मात दी थी। लाइक एक ही मैच जीता था उस सीरीज में, तो 10 मैचेस खेले गए थे जिसमें से, या 8 से 9 मैचेस जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने लगभग 7 से 8 मैचेस जीते। एंड ऑब्वियसली उन्होंने चैंपियनशिप टेबल जो है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी वो काफ़ी हद तक आई वुड से कि दे कैन स्टिल मेक इट टू टॉप 6 एंड प्रेटी मच विथ श्रीलंका, बिकॉज उन्होंने भी साउथ अफ्रीका को मात दी थी उन्हीं के घर पे। तो उस लिहाज से दोनों टीम्स ने पिछले जो अवे सीरीज है वो दोनों जीते हैं, और उस लिहाज से अभी श्रीलंका के घर में, एंड आई थिंक इफ यू से कि कौन फेवरेट हो सकता है, आई फील कि इट शुड बी अ वेरी इक्वल मैच बिकॉज जो वेस्ट इंडीज ने मैचेस खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ आर प्रेटी सिमिलर कंडीशन जो आप श्रीलंका में फेस करोगे। तो उस लिहाज से आई थिंक एक बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं मिलेगा, बट आई फील कि श्रीलंका शुड फील मोर कंफर्टेबल एट देयर होम रादर देन सेइंग एज कि वेस्ट इंडीज फेवरेट हो सकता है। बट आई थिंक इट विल बी वेरी कॉम्पिटेटिव सीरीज एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि दोनों टीम्स जो है वो 14 पॉइंट्स पे, सो आई थिंक जो जीतेगा ये सीरीज आई थिंक दे विल मेक इट टू द टॉप 6 आफ्टर द सीरीज। सो बहुत अपने में एक इंटरेस्टिंग सीरीज है एंड दोनों टीम्स फिलहाल बॉटम ऑफ द टेबल में, तो उस लिहाज से आई थिंक इट शुड बी अ वेरी कॉम्पिटिटिव सीरीज फ्रॉम टीम्स पर्सपेक्टिव। यस, इट इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव मैच। आप जैसे बात कर रहे हैं कि दोनों को ही अपने पॉइंट्स चाहिए एंड लेटली श्रीलंका ने काफी मैचेस खेले, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इतना हिस्टोरिक विन किया, फिर अभी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ उसमें तो उनका अनबीटेबल हो रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में एंड उससे उन्होंने अपना प्लेस सिक्योर किया जो बांग्लादेश में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है अक्टूबर में। तो काफी अच्छा इस समय श्रीलंका के पास मैचेस का एक्सपीरियंस रहा है, स्किल सेट रहा है, वो इन्फॉर्म रहे हैं काफी लोग। तो एक बार उनकी स्क्वाड पे थोड़ा बात कर लेते हैं कि श्रीलंका और वेस्ट इंडीज इस पूरे सीरीज में क्या स्क्वाड लेके जा रहे हैं, उनका क्या मैचअप हो सकता है। तो अगर वेस्ट इंडीज की बात की जाए तो उन्होंने ज्यादा नहीं चेंजेस किए हैं पाकिस्तानी स्क्वाड के हिसाब से। हेली मैथ्यूज का कमेंडेबल फॉर्म रहा है पूरे पाकिस्तानी सीरीज में, तो वो कैप्टन है। एंड शेमीन कैंपल वन ऑफ दी फाइनेस्ट बैटर्स आई वुड से। फिर आलिया एलिनी भी बहुत अच्छा उन्होंने बॉलिंग प्रदर्शन दिया था पाकिस्तान के खिलाफ। शमीला कॉर्नेल ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। एफी फ्लेचर बेहतरीन फास्ट बॉलर है, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। फिर एन फ्रेजर की बात कर लें, फिर शबिका की बात करें, शेनेल हेनरी, मतलब सबने वेस्ट इंडीज में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था थोड़ा थोड़ा करके। मोस्ट ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैचेस हेली मैथ्यूज ने भले जीते थे पर बाकी टीम कंट्रीब्यूशन बहुत रहा था वेस्ट इंडीज की टीम का। फिर हम जादिया जेम्स की बात करें, कियाना जोसेफ के भी काफी रन आए थे। शेरियन नेशन की तो मैं बात तारीफ ही कितनी कम करूं, उन्होंने कितने रन बनाए हैं वेस्ट इंडीज के लिए। एंड करिश्मा रामराक वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स, उन्होंने वो ओडीआई मैच जो लास्ट बॉल मैच था पाकिस्तान के खिलाफ वो उन्होंने 4 मार्क के जो एक बाउंड्री चाहिए थी वेस्ट इंडीज को, जिसकी वो तलाश थी वो विक्ट्री के लिए, वो उन्होंने दिलाई। फिर उसके बाद उस सीरीज में 2 प्लेयर ऑफ द मैच करिश्मा रामराक को मिले थे अपार्ट फ्रॉम हेली मैथ्यूज, तो उनका बहुत प्रदर्शन रहा है उसमें। फिर स्टेफनी टेलर के बारे में हमने बात करी है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वेस्ट इंडियन प्लेयर्स वी हैव सीन। फिर अशदा विलियम्स भी एंड केट विलमॉन्ट, ये एक नया एडिशन है तो इनका काफी अगर मौका मिलता है तो देखने को हो सकता है कि कैसा परफॉर्म करते हैं। तो अंकित, मैं आपसे थोड़ा श्रीलंका के स्क्वाड के बारे में पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से श्रीलंका का इस समय कैसा
फॉर्म हमने देखा है काफी अच्छा चल रहा है, तो वो कैसा स्क्वाड है उनका? देखिए हाल ही में ही क्वालिफायर्स खेले थे और अगर हम वो टीम को देखें और इस टीम को देखें तो काफ़ी सिमिलर है। बहुत सारे नेम्स आपको री एग्जिस्टिंग दिखेंगे बिकॉज उसमें अट्टापट्टू ऑब्वियसली कैप्टन है एंड आई थिंक अट्टापट्टू ने एक चीज़ अच्छी करी अपार्ट फ्रॉम हर बैटिंग एंड बॉलिंग फॉर्म की एक यंग टीम को किस तरीके से कप्तानी करनी होती है, आई थिंक वो उन्होंने काफ़ी अच्छे से इस एज में देखने मिला है बिकॉज एक एज जब क्रॉस होती है देन यू जस्ट कंटिन्यू टू डू जो आप करते आए हो, लेकिन एक नया एडिशन इस एज में देखने मिला कि बिकॉज बहुत यंग टीम है और ये क्वालिफायर्स में भी हमने यही बात करी थी कि यंग टीम को कैसे लीड करेंगी वो देखने लायक होगा और आई थिंक काफ़ी हद तक वो यशस्वी रही है इसमें। उसके अलावा ऑब्वियसली विश्मय गुणारत ने समारा विक्रमा जो ये और कपल ऑफ जो बैटर्स है जिन्होंने स्टेप किया था, इवन अगर हम क्वालिफायर्स को देखें तो अट्टापट्टू का उतना बल्ला नहीं चला था और इन बैटर्स के चलते खास करके गुणारत्न के चलते रन्स बने थे एंड ऑब्वियसली उसके अलावा ऑलराउंडर्स में भी आप बहुत सारे विकल्प देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे कविशा दिलारी आपके पास एंड ऑब्वियसली नीलाक्षी सिल्वा का भी योगदान आता है, तो उस लिहाज से बॉलिंग तो मुझे लग रहा है कि श्रीलंका की काफी कंपैरेटिवली बेटर है बिकॉज उसमें इनोशी प्रियदर्शनी आई थिंक एक अनुभवी प्लेयर और घरेलू कंडीशन है उस लिहाज से, या फिर आप इवन उदयशिखा प्रभुधनी की तरफ देखोगे तो ऐसे कुछ नाम दिखते हैं हमें जिसको हम देख के कह सकते हैं कि आई थिंक हम जैसे मैंने कहा था कि फेवरेट्स हो सकती है श्रीलंका नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द होम कंडीशंस, लेकिन मुझे बॉलिंग थोड़ी बेहतर लग रही है। ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज में भी वो धमकम है, हाल ही में करिश्मा ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आई थिंक इट विल बी द व्हाट विल बी द पोटेंशियल मैचअप विल बी वेस्ट इंडीज बैटिंग एंड श्रीलंका बॉलिंग एंड उसमें जो बाजी मारेगा आई थिंक पोटेंशियली दे माइट बी द that can be the outcome जहाँ पे जो वो टीम जीत सकती है जो ये जो मैंने मैचअप का है जिसमें वो बाजी मार सके। या अभी स्क्वाड का हमने काफी डिस्कस किया कि वो कैसा स्क्वाड लेके जा रहे हैं, अब अंकित मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूंगी कि मैंने जैसे मेंशन किया हेली मैथ्यूज के बारे में, तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को उनके करंट फॉर्म एंड उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन आप में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हेली मैथ्यूज के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। या और अगर देखिए हेली मैथ्यूज की अगर हाल ही में बात करें तो आई थिंक इट वाज अ वेरी ग्रेट सीरीज फॉर हर, आई थिंक जो पाकिस्तान के खिलाफ आई थिंक मेरे हिसाब से इन्होंने अकेले दम पे 3-4 मैचेस जीते होंगे बिकॉज उस लिहाज का प्रदर्शन जब वनडे हो या फिर T20s आई थिंक ये कंडीशंस भी सूट करेंगे बिकॉज अगर आपने किधर बाहर जाके अगर आप अच्छा करते हो सब कॉन्टिनेंट में खास करके बिकॉज पाकिस्तान और श्रीलंका में कंडीशंस आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, सेम प्रीटी मच विद इंडियन कंडीशंस स्लोअर हो जाती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है जो उनके पक्ष में जाती है एंड बिकॉज अभी इनिशियली होता था कि एज यू मेंशन कि स्टेफनी टेलर आई थिंक एक बहुत बड़ी दिग्गज बल्लेबाज जो वेस्ट इंडीज में अभी भी है, बट आई थिंक वहाँ से एक ट्रांजिशन भी हमें देखने मिला जहाँ पे नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ स्पॉटलाइट लेकिन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस भी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लगी, ऑब्वियसली शी इज द कैप्टन बट विद द बॉल भी अब उनके आंकड़े काफी अच्छे हो गए, तो आई थिंक इट विल बी शी विल बी वेरी हैंडी विद द बॉल एज वेल, बट आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग कि कैसे श्रीलंका काउंटर करती है, लेकिन आई थिंक एक बार फिर अगर वेस्ट इंडीज को ये सीरीज जीतना है बिकॉज वो चैंपियनशिप पॉइंट टेबल नजर में रहेगा उनके लिए भी बिकॉज पाकिस्तान ने पिछले कुछ टाइम से स्लिप अप किया तो उसके चलते इन दोनों टीम्स को मौका मिला है, लेकिन वेस्ट इंडीज की नजर टॉप ऑर्डर बैटर्स में तो आई थिंक हेली मैथ्यूज की तरफ ही होगी। या हेली मैथ्यूज अभी 2023 का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो वो पिछले साल आईसीसी वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर भी थी, तो उनका काफी बेहतरीन साल गया था पिछला एंड इसमें भी उनकी शुरुआत इतनी अच्छी रही है स्टार्टिंग में कि उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन दिया एंड एक मे बी एक नया फैक्ट है ये शायद कि उन्होंने श्रीलंका को कभी फेस नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज फेसिंग टीम लाइक श्रीलंका, तो ये भी एक उनके लिए नया चैलेंजिंग पॉइंट रहा है कि श्रीलंका जैसी टीम को वो फेस करेंगे, तो मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए, ये जितना भी डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाए वो हमारी वेबसाइट पे है, आप सारे प्लेयर्स के बारे में डिटेल में जान सकते हैं कि उनका डिसमिसल समरी कैसा था, उन्होंने कैसा बॉलिंग स्टार्ट था, उनका कैसा बैटिंग स्टार्ट है, तो डू विजिट आवर वेबसाइट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अब थोड़ा वेस्ट इंडीज की ही हमने बात करी अंकित, तो थोड़ा करिश्मा रामराग के बारे में बात करना चाहूंगी कि वो वन ऑफ दी लाइक गुड प्लेयर्स एंड उन्होंने अभी पाकिस्तान में जो हेली मैथ्यूज ने इतने सारे प्लेयर ऑफ द मैच जीते हैं तो उसमें से दो करिश्मा रामराग ने भी जीते थे, तो उनका थोड़ा डिटेल में अगर मैं बात करूं कि 2023 से उनका कैसा रिकॉर्ड रहा है।
तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि उन्होंने अभी ओडीआईज में प्रदर्शन दिया था पाकिस्तान के खिलाफ भी, जिसमें उन्होंने लास्ट बॉल में 4 मारा था, एंड उन्होंने बाकी में भी बहुत बॉलिंग से भी उन्होंने किया है। तो उनका अगर बॉलिंग स्टैट पे हम थोड़ा जूम करके नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि उन्होंने ओडीआईज में उनके 3 मैचेस हुए हैं जिसमें उन्होंने 4 विकेट्स लिए हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने अभी ओडीआई सीरीज खेली थी 2024 में, तो उसमें उन्होंने 4 विकेट्स लिए थे और इकोनॉमी बेहतरीन उनकी 4 की रही है अप्रोक्सीमेटली, तो वो भी बहुत अच्छा था। और जैसा कि अंकित अभी तक आप मेंशन करते आ रहे हैं कि घरेलू कंडीशन सेम रह सकते हैं जैसा पाकिस्तान में उन्होंने फेस किया था, वो चीज श्रीलंका में भी कंडीशंस इक्वली रहती हैं, तो उसमें भी उनका काफी हम देख सकते हैं कि बॉलिंग का प्रदर्शन हो सकता है, एंड वेस्ट इंडीज के लिए वो विकेट्स लेके आ सकती हैं जो बहुत क्रूशल रहेंगे दूसरे टीम के परस्पेक्टिव से, श्रीलंका के उससे, जैसे चमारी की हम बात करते हैं कि अगर वो सेट हो जाते हैं तो काफी रन्स बनाते हैं, एंड उन्होंने अभी ही हाल ही उनका फॉर्म अच्छा रहा है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अंकित, तो अब थोड़ा श्रीलंका के परस्पेक्टिव से हम बात करते हैं, तो श्रीलंका में आप अगर सोचते हैं कि बॉलर्स की हम स्पेसिफिकली बात करें तो सुगंधिका कुमारी वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स हैं श्रीलंका की, तो आप उनके बारे में आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए, आई थिंक इनका भी लगभग अब 2015 में जब उन्होंने डेब्यू बनाया था, तो अभी लगभग 2024 है, तो 10 साल हो गए। एंड यही मैंने बात करी थी कि अनुभव की कमी नहीं है श्रीलंका की गेंदबाजी में एंड लेफ्ट आर्म में। तो आई थिंक इनका कार्य बहुत बड़ा होगा, बिकॉज वेस्ट इंडीज में बहुत सारे राइट हैंडेड बैटर्स है, और मेन में नहाली मैथ्यूज होगी, टेलर होगी, तो उसके चलते एक्सपीरियंस के सामने एक्सपीरियंस, सो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि कौन बाजी मारेगा। लेकिन इनकी साउथ अफ्रीका सीरीज भी काफ़ी डिसेंट गई थी, आई वुड से कि अच्छी गई थी इन टर्म्स ऑफ अगर उनका हम क्वालिफायर से कंपेरिजन करें। बट आई थिंक साउथ अफ्रीका में जहाँ पे उतनी मदद नहीं मिलती, वहाँ पे उन्होंने 5 विकेट चटकाए थे। लेकिन अब ये क्योंकि उनके घरेलू कंडीशंस है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और मदद मिलेगी एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर। एंड अभी तो वो प्रशस्ति आई फील की वो जमाना चला गया, जहाँ पे हम वो बोलते थे कि लेफ्ट हैंड बैटर के सामने लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं आ सकता। आई थिंक वो सब चला गया। आई थिंक अब इट इट प्योर द गेम प्योरली रिलाइज ऑन द स्किल ऑफ एनी प्लेयर, सो इट कैन बी एनीथिंग। एज अ साइड की मैंने कहा तो ये है कि शी विल प्ले अ क्रूशल रोल अगेंस्ट राइट हैंड बैटर्स, लेकिन जो भी लेफ्ट हैंड बैटर्स, आई थिंक शी कैन बी इक्वली थ्रेटन टू द लेफ्ट हैंड बैटर्स एज वेल एट द सेम टाइम। तो इट विल बी इंटरेस्टिंग, लेकिन एज अ सेट की आई थिंक इट विल अल्टीमेटली कम डाउन टू वेस्ट इंडीज बैटर्स वर्सेस द श्रीलंकन बॉलर्स, या फिर स्पेसिफिकली स्पिनर्स भी कह सकते हैं उस मामले। या स्पिनिंग कंडीशंस हम देखते हैं कि हो सकती हैं फेवर कर सकती हैं, सो डेफिनेटली ये एक लुकआउट बॉलर रहेंगे सुगंधिका कुमारी की वो विकेट्स लें, क्योंकि हमने देखा है हाल ही में हेली मैथ्यूज का, उनका मैं नाम हर बार ले रही हूँ क्योंकि हमने देखा है कि वो कितनी बेहतरीन बल्लेबाज है, उन्होंने कितना अच्छा उनका प्रदर्शन रहा है हाल ही में, तो वो फॉर्म वो कंटिन्यू कर सकते हैं, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं एंड वो कर सकते हैं। सॉरी, अब हम बात करेंगे चमारी अट्टापट्टू के बारे में, जो कि श्रीलंकन स्किपर है, ऑलराउंडर, एंड अभी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वो अपनी टीम को फाइनल्स उन्होंने जिताया, एंड उन्होंने उसी फाइनल्स में सेंचुरी मारी। उनको मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्टी हुआ था उस क्वालिफायर टूर्नामेंट में रन्स बनाने में, रन आउट भी हो गए थे वो पहले उसमें, पर धीरे धीरे उन्होंने वो पेस पकड़ा एंड वो फर्स्ट एवर सेंचुरी बनाई उन्होंने उसकी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की, तो काफी अच्छा प्रदर्शन है चमारी अट्टापट्टू का। एंड अभी आईसीसी की वो ओडीआईज में 2023 में प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुकी है, तो ओडीआईज का भी मैच है, आप प्लेयर ऑफ द ईयर हो, आपसे आपकी टीम एक्सपेक्ट करेगी, एंड आपका फॉर्म हमेशा इतना अच्छा रहा है विद द बॉल एंड विद द बैट। उनका अगर हम पिछले सीरीज की ही बात करें तो उन्होंने 195 नॉट आउट का जो चेजिंग का हाईएस्ट स्कोर अभी तक हम देखते आ रहे हैं रिकॉर्ड्स में, वो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था, तो उनका बेहतरीन इस समय प्रदर्शन है, काफी अच्छे फॉर्म में है, तो उनसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई हैं श्रीलंका की भी एंड उनकी खुद की भी होंगी कि मैं और बेटर परफॉर्म करूं अपनी टीम के लिए। तो उनका अगर हम बॉलिंग में भी स्टैट्स देखें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 3 मैचेस उन्होंने खेले, उसमें 1 विकेट लिया था ओडीआईज में, बट
वही है कि जहां वो बॉलिंग से कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं वो बैट से अपना प्रदर्शन देते हैं, एंड 314 रन्स ओडीआईज में बनाना सिर्फ 14 मैच में, तो एक बेहतरीन बल्लेबाज और जब जरूरत होती है तब गेंदबाज भी वो बेहतरीन निकलती हैं, तो एक ऑलराउंड पैकेज है वो श्रीलंका का। तो अंकित आप क्या कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहेंगे चमारी के परफॉर्मेंस पर? सी आई फील कि आई थिंक मैन टू मैन अगर हम दोनों टीम्स की मार्किंग करें तो आई थिंक इनका भी कद उतना ही है जितना या फिर हेली मैथ्यूज का, हालांकि हेली मैथ्यूज बहुत यंग है, चमारी के पास उतना आई थिंक एक्सपीरियंस है एंड आई थिंक उतना क्रिकेट खेला है, और एज यू मैंशन 195 लाइक चेजिंग में आई थिंक इट शोज की टीम की निर्भरता अभी भी इनके ऊपर है, हालांकि बाकी बल्लेबाज भी है लाइक गुणारत्ने आप बोलो या फिर समारा विक्रमा, हसीनी पेरेरा, सो मेनी बैटर्स जिन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में अच्छा किया था, लेकिन जब जब क्रंच सिचुएशन होते हैं या फिर आपकी टीम फंसी हुई होती है सबसे पहली निगाह सिर्फ कैप्टन की तरफ नहीं आती है, मेन प्लेयर की तरफ जाती है, और अगर बाय चांस अगर या फिर आगे भी ऐसा होता है कि अगर अट्टापट्टू कैप्टन नहीं रही बट इफ शी इज पार्ट ऑफ द टीम पहली निगाह आपकी उनकी तरफ जाएगी, और ये कद उन्होंने ओवर द इयर्स डेवलप किया है, WPL का भी हिस्सा थी इस बार, तो उस लिहाज से आई थिंक जितना क्रिकेट खेला आई थिंक इट्स वन गुड थिंग, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स वो T20 फॉर्मेट था लेकिन रिसेंटली क्रिकेट खेलते हैं, उसके पहले भी लाइक साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज, तो आई थिंक she has found ways to develop herself as a cricketer in terms of captain as well, so I feel ki she will have to do the same thing I think and more focus I think this time will be like mujhe puchoge to I think kaptani ki taraf rahega ki is bar kaise, because is bar thodi chunauti milegi, south africa mein bhi chunauti mili thi wo alag thi, lekin is bar aapke gharelu conditions pe I think home teams bhi pressure mein hoti hai, let's not forget, because the away team has nothing to lose but the home team has, so us liye championship table bhi dao pe, so I think it will be a very interesting series between both the teams with championship table at the stake. Yeah, championship table kafi important hai kyunki aapko aage qualify karna hai, aapko top 6 mein aana hai, to us nazariye se bahut important hai. एंड अभी मैं थोड़ा इनकी डिसमिसल समरी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ अंकित आपके साथ, कि इनका अगर हम काउंट ऑफ डिसमिसल देखें तो आप देख सकते हैं कि मोस्टली ये कॉट हुए हैं 7 times, मतलब 50% ऑफ द टाइम्स इनका कॉट हुआ है, एंड ये रन आउट भी हुए हैं 2 बार. तो जैसा मैंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का आपके साथ मेंशन किया था कि उसमें भी फर्स्ट मैच में वो रन आउट हुए थे, तो वो चीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि वो रन आउट हुए थे, LBW भी हुए हैं वो, काफी मतलब मोस्टली कैच आउट में उनका डिसमिसल है. एंड अगर डिसमिसल हम बॉलर्स के खिलाफ देखें कि वेस्ट इंडीज के जो बॉलर्स है, तो स्टेफनी टेलर लाइक 5 times उन्होंने इनको डिसमिस किया है, सो वो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैचअप हो सकता है उनके खिलाफ कि चमारी उनको जब अगर मान लीजिए फेस करती हैं तो वो कैसे उनको ओवरकम कर सकती हैं, क्योंकि आपने इतने डिसमिसल में मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक स्पिन बॉलर को आप फेस कर रहे हो एंड 5 times आपका डिसमिसल उनसे हो रहा है, एंड हेली मैथ्यूज ने भी उनको एक बार डिसमिस किया है एज अ स्पिनर, तो स्पिनर के खिलाफ उनका शायद थोड़ा सा वो रहता है कि मोस्टली वो स्पिनर से आउट हो रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको उनसे प्रॉब्लम हो रही है. तो अंकित आप इस बारे में क्या कह सकते हैं कि ये जो मैचअप है चमारी अट्टापट्टू वर्सेज टेलर का वो कैसा हो सकता है? सी आई फील अगर जल्दी डिसमिसल हो गया इनका तो आई थिंक ऑब्वियसली इट कैन अफेक्ट श्रीलंका बैटिंग या फिर इवन द रिजल्ट ऑफ द मैच, बिकॉज काफी क्रूशियल प्लेयर है टॉप ऑर्डर में बैटिंग करती है, तो फिर आप नहीं चाहते हो कि आपकी टीम की विकेट जाए जल्दी, लेकिन वन थिंग इज कि मुझे लग रहा है कि थोड़ा रनआउट से तो इनको थोड़ा दूर रहना चाहिए, बिकॉज क्रिकेट की बहुत पुरानी कहावत है, आप वुमेंस क्रिकेट या फिर इवन मेन्स क्रिकेट के लिए कह लो कि अगर एज अ कैप्टन अगर आप रन आउट हो रहे हैं या फिर एज अ मेन बैटर तो वो दिन आपका माना नहीं जाता या फिर आपकी टीम का, बिकॉज रन आउट इज द वर्स्ट वे टू गेट आउट इन क्रिकेट इंटरनेशनल और इवन फ्रेंचाइजी, तो उस लिहाज से वो चीज को तो अवॉइड करना चाहिए था, बिकॉज एज यू सेड कि आई थिंक थाईलैंड के अगेंस्ट वो फर्स्ट मैच था जहाँ पे ये रन आउट हुई थी, तो आई थिंक वन थिंग टू स्टे अवे फ्रॉम क्रिकेट इन इरिस्पेक्ट ऑफ द फॉर्मेट हैज बीन इट हैज टू बी रन आउट, सो वो दूर रहना चाहिए, बट आई फील कि अगर वो बड़ी इनिंग्स खेल के आउट होती है तो आई थिंक इट शुडंट मेक अ इम्पैक्ट ऑन वी शी इज गेटिंग डिसमिस, बट इनिशियली इन द इनिंग्स आई थिंक शी शुड टेक लेस रिस्क, बिकॉज एक बार सेटल हो जाती है तो शी हैज द एबिलिटी, और हाल ही का फॉर्म भी यही कहता है कि खुद को आप थोड़ा समय दो फिर समय आपका हो जाता है, तो इस लिहाज से आई थिंक सफिशियंट अमाउंट ऑफ टाइम वन डेज में तो
50 ओवर है, 300 बॉल है, एज अ बैटर आप सो एज अ मेन बैटर अगर आप 100 बॉले खेल लो तो आई थिंक शी हैज द एबिलिटी टू स्कोर अ सेंचुरी आफ्टर प्लेइंग ऑल दोस बॉल्स. यस, ये देखने वाला मैच होगा कि कैसा प्रदर्शन होता है जमारी अट्टापट्टू का और हेली मैथ्यूज का क्या जवाब रहता है उनके खिलाफ. तो अब थोड़ा नजर डालते हैं अपनी फैंटेसी 11 की ओर, श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट ओडीआई. तो अंकित आपसे शुरुआत करते हैं कि आप अगर प्लेयर्स को ले सकते हैं पहले जो बैटर्स एंड विकेट कीपर्स हैं. यस, एंड अगर हम फर्स्ट वनडे के लिए टीम बनाए तो उस लिहाज से हमने दोनों कीपर्स को लिया है, कैम्बेल एंड संजीवनी. आई थिंक ऑब्वियसली डिपेंड्स कि बिकॉज हम टीम बना रहे, हो सकता है कि आपको एक बार लाइनअप्स जब अनाउंस होते हैं उसके बाद भी एक बार टीम चेक करना चाहिए, हो सकता है कि ना हो तो उस लिहाज से आपको अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा. लेकिन फिलहाल की हमारी टीम में जो ऑब्वियस चॉइसेस है, कैम्बेल की एक डिसेंट सीरीज भी गई थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो उस लिहाज से यू डोंट वांट टू मिस आउट. एंड बिकॉज बॉलर्स बहुत ज्यादा गेम में रहेंगे, बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस है, स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस कह सकते हैं, तो आई थिंक विकेट कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं. आई फील कि ऑब्वियसली अदर ऑप्शंस भी, अगर श्रीलंका की पहले बैटिंग आती है तो हो सकता है कि आप एक दो श्रीलंकन बैटर्स भी आप ऐड कर सकते हो, गिवन द फैक्ट आपके पास गुणारत्न है, असिनी परेरा, तो बट फिलहाल सैफरी टेलर का बैटिंग अनुभव है, और अगर गेंदबाजी करी तो वैल्युएबिलिटी लाती टीम में, तो ये हमारे विकेट कीपर्स और बैटर्स की तरफ से. जी, ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो हेली मैथ्यूज के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, उनको हम कैप्टन बना सकते हैं, वो काफी ग्रेट कैप्टनसी ऑप्शन है. एंड चमारी अट्टापट्टू वुड बी अ ग्रेट वाइस कैप्टन ऑप्शन, क्योंकि उनका भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है एंड दोनों ही प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं. एंड कविशा तिलारी एक अच्छी श्रीलंकन ऑलराउंडर है, उनको मैंने अपनी टीम में लिया है. शिनेल हेनरी का भी रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा रहा है, तो वो एज एन ऑलराउंडर ऑप्शन थे. तो ये हमारे चार ऑलराउंडर्स हैं. बॉलर्स की अगर मैं बात करूं तो दो वेस्ट इंडियन बॉलर्स एफी फ्लेचर स्पिनर एंड करिश्मा रामराक, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स अभी जो फॉर्म जिनका रिसेंटली अच्छा चल रहा है, उनको मैंने वेस्ट इंडीज से लिया है. एंड प्रभोदिनी एंड सुगंधिका कुमारी, जिनकी अभी हमने बात करी थी सुगंधिका की, उनको मैंने अपनी टीम में लिया है. So guys, this was our fantasy 11 of West Indies versus Sri Lanka. अब अंकित, मैं आपसे बस लास्ट में यही पूछना चाहूंगी कि इस मैच से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके क्या प्रेडिक्शंस हैं कि कौन बेटर परफॉर्म करके आ सकता है? I think I will go with Sri Lanka, but I am definitely expecting a good fight from both the teams. लेकिन it should be Sri Lanka. I think home conditions सामने कोई भी हो थोड़ा तो आपको फायदा मिलता है, तो उस लिहाज से I think it should be Sri Lanka. But close match होने की उम्मीद है, and I won't be surprised अगर West Indies भी पहला match खेलता है, because दोनों teams का हाली form काफी अच्छा है. But what do you feel like? कि you feel will it be West Indies या फिर you also back Sri Lanka? Well, I back Sri Lanka and उसका एक रीजन ये है कि उनका रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा रहा है, उसको मैं कभी नजरिए में नहीं जाने दूंगी कि चमारी अट्टापट्टू उस रीजन रही है उस चीज का कि उन्होंने परफॉर्म किया है अपनी टीम को, वो क्वालिफायर्स जिता के वो लेके गए हैं ग्रुप ए में. आप ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप का पार्ट थे जब आप फाइनल्स में आ गए, बट उस फाइनल मैच को भी जिता के आपने ग्रुप ए में अपना स्पॉट तय किया, तो काफी अच्छा रिसेंट फॉर्म है श्रीलंका का, तो दैट्स व्हाई आई बैक फॉर श्रीलंका दिस टाइम. सो दर्शकों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन जीत सकता है. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.